Hello everybody, welcome to my YouTube channel. I'm Dietitian Sandhya Shah. I hope so everyone is doing good and great. Well, आज की YouTube का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. रीज़न हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं. यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं. तो उसकी टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं. वेल, विंटर सीजन चल रहा है, तो इस विंटर में हमेशा हम सोचते हैं कि अपने आप को गर्म रखें एंड ऐसी कोई तो कोई चीज़ हम खाते रहें जिससे हमारे बॉडी का हीट मेंटेन रहे. एंड विंटर्स में बहुत ज़्यादा हमें क्रेविंग भी होती रहती है, तो इस क्रेविंग को दूर रखने के लिए साथ ही साथ बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी हमें देता है, जो मैं रेसिपी आपको अभी मैं बताने वाली हूँ. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टोमेटो सूप के बारे में. यस, टमाटर का सूप, जो कि लोकली हर जगह अवेलेबल होता है. एंड बेस्ट पार्ट ये है कि हमें ऑल सीज़न मिलता है, तो हमें इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत होती नहीं है. और ये बहुत जल्दी बन भी जाता है. दिखने में ये छोटा सा है, लेकिन इसमें हेल्थ बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है. तो हम आगे बात करेंगे कि हम इसे कैसे बना सकते हैं, इसमें न्यूट्रिशन क्या क्या प्रेजेंट है एंड हमारा ओवरऑल हेल्थ के लिए क्या क्या ये बेनिफिट देता है. सो स्टे ट्यून्ड विद मी. टोमेटो, इट्स लाइक अ फ्रूट, लाल कलर का दिखता है और ग्रीन कलर का भी होता है. तो हम बेसिकली जनरल टोमेटो के बारे में बात करने वाले, टमाटर के बारे में बात करने वाले. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये रिच इन वाटर होता है. इसमें 95% वाटर होता है और रिमेनिंग 5% इसमें कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर रहता है. एंड ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है इसमें, तो हमारे डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है. रिच इन फाइबर है, तो हमें काफ़ी देर तक फुल रखने में हेल्प करता है. वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है. रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है. इसमें लाइकोपेन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट रहता है, जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है. विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम इनरिच है, फॉलेट इनरिच है. तो ये हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. ब्लड प्रेशर को लोअर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है. हमारे स्किन हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है. कैंसर को प्रिवेंट करता है एंड हमारे गट हेल्थ को भी काफ़ी अच्छा रखता है. लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 15 होता है. तो ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है ना. इसके इतने सारे बेनिफिट, तो अब हम चलते हैं कि हम इसे कैसे बना सकते हैं. तो चले देखते हैं आसान और ईजी तरीका साथ ही साथ. ये है हमारे सूप बनाने के चार मुख्य इंग्रेडिएंट. उनमें से सबसे मुख्य इंग्रेडिएंट वो है हमारे लाल टमाटर. तो मैं यहाँ पे 1 सर्विंग बना रही, तो मैंने यहाँ पे 3 लाल टमाटर लिए हैं. उसके बाद मैंने 6 से 7 लहसुन की कर लिया और 5 से 6 ब्लैक पेपर यानी काले मिर्च और 23 पत्ता मैंने लिया है. उसके बाद थोड़ा सा बॉयल होने के बाद मैंने यहाँ पर टमाटर इसमें रख दिया था बॉईल होने के लिए और ऊपर से थोड़ा कट लगाया ताकि इसका छिलका जल्दी से रिमूव हो जाए. आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी 1 सीटी लगा सकते हो, वैसे भी ये हो जाएगा. देन मैंने यहाँ पे अपने बाकी इंग्रेडिएंट भी इसमें ऐड कर लिए. 23 पत्ता और जो कली हमारे पास थी लहसुन की, वो भी मैंने इसमें मिला दिया. उसके बाद 10 to 20 मिनट्स के बाद थोड़ा बॉयल होने के बाद ये अपना टोमेटो छिलका ईजिली काफ़ी रिमूव कर देता है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी ईजिली अपना छिलका रिमूव कर देता है. तो इससे हमें ये पता चल गया है कि टमाटर कुक हो चुके हैं. कुक होने के बाद मैंने यहाँ पे लहसुन की कलियाँ और टमाटर को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है. ग्राइंड होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है. मैं यहाँ पे छानूंगी नहीं, क्योंकि हमें इसका फाइबर इसमें से रिमूव नहीं करना है. देन मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून बटर लिया है. इट्स गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन को एब्जॉर्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है. देन मैंने यहाँ पे अपना टोमेटो प्यूरी इसमें हम ऐड कर देंगे. ऐड करने के बाद मुझे कंसिस्टेंसी इसकी काफ़ी थिक लग रही थी, तो मैंने एडिशनल वाटर इसमें ऐड किया. कंसिस्टेंसी टोटली आप पर डिपेंड करती है कि आपको अपना सूप कैसा रखना है, पतला या थोड़ा सा गाढ़ा. उसके बाद थोड़ा सा कुक होने के बाद मैंने इसमें और इंग्रेडिएंट ऐड किए. 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया. रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट है और हमारे गट हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है. देन 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे ऑर्गेनो ऐड किया है. देन पिंच ऑफ सॉल्ट और नमक स्वाद अनुसार मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट भी यूज़ किया और थोड़ा सा रेगुलर सॉल्ट भी यूज़ किया है. उसके बाद मैंने ग्रीन कोरिएंडर इसमें
डाला एंड सब कुछ होने के बाद हमारा टमाटर का सूप एकदम रेडी है। एंड गरम गरम हमारा टमाटो सूप दिखने में बहुत टेस्टी था एंड टेस्ट वाइज भी काफ़ी हेल्दी। एंड बनाना कितना इजी था एंड आप लोग बहुत इजीली इसे कोई भी बना सकता है। ये टेस्ट वाइज भी बहुत ही टेस्टी था एंड तो ये बनाइए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और ये जो सूप हम लोगों ने बनाया है ये आप कभी भी ले सकते हो, लंच में भी ले सकते हो, ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हो, डिनर में भी ले सकते हो और ये वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। सो गो एंड ट्राई दिस रेसिपी एंड फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा। जब तक के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, तो दिस इज़ माई इंस्टाग्राम अकाउंट, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।